हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे, लेकिन जो लोग मुझे नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं पब्लिक इंजन। दोस्तों, कल मैं अपने चैनल से लाइव आया था जहां पर मैंने बहुत सारे लोगों के सवालों का जवाब दिया था। बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे, वहीं पर बहुत सारे लोगों ने डिमांड भी की थी कि सर आयरलैंड में वेयर हाउस की जॉब्स के बारे में बताओ। देखो, सर्च वगैरह किया, बहुत सारा रिसर्च किया मैंने। एक दो घंटा रिसर्च करने के बाद मेरे को एक कंपनी मिली जिस कंपनी में जो है अभी वेयर हाउस ऑपरेटिव की जॉब्स अवेलेबल है। जी हाँ, वेयर हाउस ऑपरेटिव की जॉब अवेलेबल है, NOC इंजीनियर की जॉब अवेलेबल है, अकाउंट मैनेजर, रिस्क मैनेजर, अकाउंट डायरेक्टर, पर्सनल असिस्टेंट, ऐसी ऐसी टाइप्स की जॉब आपको अवेलेबल मिल जाएंगे दोस्तों। और ये जो कंपनी की बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों, इस कंपनी के सिर्फ आयरलैंड में ब्रांच नहीं है दोस्तों, इस कंपनी के बहुत सारी कंट्रीज में ब्रांच है, लेकिन यहाँ पर अभी जो बात करने वाले हम वो आयरलैंड वाले ब्रांच की है। यहाँ पर अगर आप वेयर हाउस की जॉब्स करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या रिक्वायरमेंट्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होने वाली है, कौन सी कंपनी है दोस्तों, ये सारी की सारी डिटेल जो है आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। इसीलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। साथ ही सही जानकारी और टाइम टू टाइम जानकारी के लिए हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए, ताकि हर जानकारी आप तक सही टाइम पर पहुंच सके। जल्दी से इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कीजिए दोस्तों, और हाँ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, क्योंकि भैया आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती नहीं है और फिर जो है आप वीडियो मिस आउट कर देते हो, अच्छी अच्छी चीज़ें मिस आउट कर देते हो। कल मैं लाइव आया था, मैंने बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब दिए थे, अगर आप भी उसमें होते तो आपके भी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सकते थे। तो इसीलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों और यूं ही हमारे साथ बने रहो। आज मैं जिस कंपनी की बात करने वाला हूं दोस्तों, उस कंपनी के बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप आयरलैंड की जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास होना चाहिए दोस्तों एक सीवी और कवर लेटर। आयरलैंड के लिए आपको एक यूरोपा सीवी और कवर लेटर लगेगा। अगर आपके पास यूरोपा सीवी और कवर लेटर है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद प्रोसेस समझ लीजिए दोस्तों, और प्रोसेस समझ के जो है इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर दीजिए जिन जॉब्स की बात मैं कर रहा हूं। इजी प्रोसेस होने वाला है, बहुत ही आसानी से आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे दोस्तों, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी कौन सी है। इस कंपनी का नाम है दोस्तों बीटी ग्रुप। बीटी ग्रुप कहते हैं, लेकिन अभी आयरलैंड की बात कर रहे हैं तो हम बीटी आयरलैंड अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपके सामने ये कंपनी आ जाएगी दोस्तों। बहुत ही बड़ी ग्रुप ऑफ कंपनीज है दोस्तों, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग कंट्रीज में फैली हुई है, अलग अलग कंट्रीज में फैली हुई है दोस्तों। यूके तक में इनकी ब्रांचेज है। यूके में भी अगर आप जॉब सर्च करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस जाना है, फिल्टर करना है, आपको जॉब सर्च करना है और लोकेशन को फिल्टर करके यूके सेलेक्ट कर लेना है, और यूके में जितनी भी जॉब्स अवेलेबल होंगी दोस्तों वो सामने आपके आ जाएंगी। लेकिन अभी आज बात हो रही है आयरलैंड की, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आयरलैंड में अगर आप वेयर हाउस की जॉब सर्च करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होने वाली है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा आगे ले जाकर के अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जितनी भी यहां जॉब्स अवेलेबल है इन सभी जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं बहुत इजीली, एक छोटा सा अकाउंट क्रिएट करके। छोटा सा क्या होता है, मतलब अकाउंट क्रिएट करके, ठीक है। अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसेस है आपका, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले याद रखिएगा कि जो जो आपको यहां पर जॉब्स देखने को मिल रही है सबके अलग अलग क्वालिफिकेशन है, सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होने वाली है। इसीलिए पहले आप उन जॉब्स के बारे में जान लीजिएगा, अगर आपको उन जॉब्स में थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है तभी उन जॉब्स के लिए अप्लाई कीजिएगा। वेयर हाउस की जॉब में अगर आप एक्सपीरियंस है तभी वेयर हाउस ऑपरेटिव की जॉब के लिए अप्लाई कीजिएगा। फ्रेशर है तो प्लीज इन जॉब्स के लिए अप्लाई मत कीजिएगा दोस्तों, आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ही आपके रिस्पॉन्स आने के चांसेस हैं, अदरवाइज नो रिस्पॉन्स। मैं आपको पहले बता देता हूं दोस्तों, बाकी की जितनी भी जॉब्स अवेलेबल है, अकाउंट मैनेजर, अकाउंट डायरेक्टर वगैरह की जॉब जो है, पर्सनल असिस्टेंट वगैरह की जॉब जो है, वो सारी जॉब्स भी आपसे जो है एक्सपीरियंस मांगती है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तभी आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कीजिएगा। बस बात खत्म, अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अब आपको ले चलता हूं डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट पे। आपको बताता हूं कि कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है, कैसे आपका अकाउंट क्रिएट करना है और कैसे आपको जो है जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। तो चलिए चलते हैं। जिस कंपनी की बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों, उस कंपनी के बारे में अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो आपको गूगल पे जाके टाइप करना है बीटी आयरलैंड। एक बार जब आप गूगल पे बीटी आयरलैंड टाइप कर लेंगे दोस्तों, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, उसके बाद आपको सर्च बटन पे क्लिक कर लेना है। सर्च बटन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक पूरी की पूरी लिंक खुल के आ गई है, और नीचे करियर, कॉन्टैक्टस, अबाउट अस वाले जो है बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं। यहाँ देख सकते हैं टेली कम्युनिकेशंस कंपनी है दोस्तों ये बीटी आयरलैंड, और नीचे की तरफ अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी वगैरह वगैरह आपको जो है अलग अलग लिंक्स भी देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन हमें उन लिंक्स पर क्लिक नहीं करना है, हमें सिंपली ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर देना है, वापस हम ऊपर की तरफ आ जाएंगे, और यहाँ पर जो मेन जो हमारा पहला लिंक है दोस्तों, हमें उस पहले लिंक पे क्लिक कर लेना है। सिंपली हम अपने पहले लिंक पे क्लिक कर लेंगे और जो भी जॉब्स अवेलेबल है उन सारी जॉब्स को देख लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं करियर्स वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया है।
करियर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं यहाँ कुकीज़ वगैरह का कुछ होता है दोस्तों, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे इधर से नीचे से। उसके बाद यहाँ पर चीज़ें लिखी गई हैं ये जो कंपनी के बारे में कि भैया क्यों हायर करते हैं, क्यों और क्या क्या इनके बेनिफिट्स वगैरह देते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। और यहाँ देख सकते हो दोस्तों लिखा हुआ है कि 1,00,000 से ज़्यादा लोग जो है इनके कंपनी में मतलब एम्प्लॉई हैं, एज एम्प्लॉई काम कर रहे हैं और 180 कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं। तो सोच सकते हो कि कितना बड़ा इनका मतलब बहुत बड़ा मार्केट फैला हुआ है। और यहाँ पर अगर हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी कंपनी से रिलेटेड, ये वो आपको सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ नीचे कुछ लिंक्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे जिस लिंक्स पर क्लिक करके जो है आप इस कंपनी के बारे में और भी कुछ जान सकते हैं, आप इनकी सर्विसेज के बारे में जान सकते हैं। लेकिन हमें इन सारी चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं करना है दोस्तों, हमें सिंपली जो है ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर देना है। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके यहाँ पर करियर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और दोस्तों वेट करेंगे कि एक नया पेज खुल करके हमारे सामने आए। नया पेज खुल गया है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ आप देख सकते हैं, यहाँ पर टाइटल वगैरह डालने का ऑप्शन आ गया है, लोकेशन वगैरह डालने का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर लोकेशन में आयरलैंड लिखा हुआ है और जितनी भी जॉब्स अवेलेबल है आयरलैंड की जॉब्स है। जो जो मैंने आपको जॉब्स बताई थी दोस्तों यहाँ पर वो सारी जॉब्स अवेलेबल है, वेयर हाउस ऑपरेटिव वगैरह की जॉब अवेलेबल है। और डेट देखिए यहाँ पर कितनी रिसेंट जॉब्स है, 22 नवंबर, सारी की सारी जॉब्स जो है मतलब नवंबर की पोस्टिंग वाली जॉब्स हैं। आप सपोज किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वेयर हाउस की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उस जॉब पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं दोस्तों, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पढ़ लेंगे कि भैया हाँ अगर मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ तो मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा, आपको ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी है दोस्तों, उसके बाद ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। एक बार जब अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो है कुछ लिंक्स वगैरह ओपन होकर के आएंगे दोस्तों, एक नया पेज ओपन होकर के आएगा जहाँ पर आपको जो है अकाउंट क्रिएट करना होगा अपना या फिर लॉग इन करना होगा। जब जैसे कि यहाँ पर मेरे क्रेडेंशियल्स पहले से अपलोडेड है लेकिन मैंने यहाँ पर अकाउंट क्रिएट नहीं किया, तो मैं क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और जैसा कि आप देख सकते हैं पेज रिफ्रेश हो रहा है दोस्तों, पता नहीं टाइम क्यों लग रहा है इतना ज़्यादा। अब थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक ये पेज रिफ्रेश नहीं हो जाता। पेज रिफ्रेश हो जाने के बाद इसमें जो भी डिटेल्स होंगी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड वगैरह सारी चीज़ें मैं फिल कर दूंगा। सारी चीज़ें फिल करने के बाद हमें कुछ नहीं करना है, हमें जो नीचे सिंपली नीचे की तरफ जा करके जो जो चीज़ें मांगी जा रही हैं उसके बाद जो है अकाउंट क्रिएट कर लेना है दोस्तों। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा अकाउंट जो है क्रिएट हो चुका है, यहाँ पर लिख करके भी आ गया कि भैया योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर नीचे ऑप्शन है वेयर हाउस की जॉब्स का और यहाँ पर मेरे को अप्लाई करने का अब नया तरीका देखने के लिए मिलेगा। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं वाला सेक्शन ब्लर है थोड़ा सा, तो नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और सिंपली जो है यहाँ पर देख सकते हैं आपको अलग अलग चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। सीवी और कवर लेटर अपलोड करने का ऑप्शन आया है दोस्तों, यहाँ पर आप सीवी अपलोड कर सकते हैं, कवर लेटर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन में जो है अपनी मतलब सारी चीज़ें डालनी, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन में अपनी प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट में आपको अपना जो भी एक्सपीरियंस वगैरह डालना है, एजुकेशन वगैरह डालना है, आपको सारे मतलब जितनी भी चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं दोस्तों उन सभी चीज़ों को जो है मतलब आपको फिल कर देना है, उन सभी सवालों का जवाब दे देना है दोस्तों। और उसके बाद जो नीचे आप देख सकते हैं अप्लाई का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा आपको राइट साइड में, और इन सारे सवालों का जवाब देते हुए अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो है इस जॉब के लिए अप्लाई कर देना है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों, कोई भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। देखा दोस्तों ईजी प्रोसेस, आप भी इतनी आसानी से जो है इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए मैं बस आपको इतना बोलूंगा कि वेट मत कीजिए, अगर आपको ऐसी जॉब्स के लिए अप्लाई करना है तो भैया आगे के लिए भी फ्यूचर के लिए भी जल्दी से अपना एक सीवी और कवर लेटर बना के तैयार कर लीजिए ताकि जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए आप तुरंत उन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकें। और जैसे कि आपको मैंने दिखाया कि ये सारी की सारी रीसेंट जॉब्स है, रीसेंट पोस्टिंग्स है दोस्तों, सबकी सब नवंबर में पोस्ट हुई है, तो इसीलिए वेट मत करो, जल्दी से इन जॉब्स के लिए अप्लाई करो, जल्दी से सीवी और कवर लेटर बनाओ और फिर आयरलैंड जाने का इंतजार करो दोस्तों। बस बात खत्म, इतनी ही चीजें बोलूंगा मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।